हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल बकरीद स्पेशल। माय नेम इज रिजवान और अभी हम हैं अलमदार भाई के साथ में। और इनके गुड फॉर्म है और पोल्ट्री फॉर्म है और बाकी इन्फॉर्मेशन अलमदार भाई से इन्फॉर्मेशन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम रिजवान भाई, अल्हम्दुलिल्लाह भाई। सबसे पहले आप हमें अपने गुड फॉर्म का और पोल्ट्री फॉर्म का एड्रेस बताइए जी, और कब से आप काम कर रहे हैं ये सब बताइए भाई। हमारा मैं अलमदार असनी और हम जो काम कर रहे हैं पोल्ट्री का काम तो काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, करीब हमको हो रहा है 5-7 साल। और उसके बाद हमने जो है अभी 3 साल हो रहे हैं हमने गोट फार्मिंग शुरू करी है और अब लगभग काफ़ी हद तक हम आगे बढ़ चुके हैं गोट फार्मिंग में भी। और हमारा जो एड्रेस है वो फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट है, जो कि इलाहाबाद और कानपुर के बीच में पड़ता है जी। कानपुर हमारे यहाँ से 80 किलोमीटर है और इलाहाबाद हमसे 120 किलोमीटर है, बीच में हमारा फार्म है ये। अच्छा, तो आप जैसे कि आप माशाल्लाह से नौजवान हैं एकदम, आपने इस काम को चालू किया, तो आप अपने अपने हम उम्र के नौजवानों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो बेरोज़गार घूम रहे हैं इस टाइम पर? भाई जो इस टाइम पर बेरोज़गारी का आलम है वो तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, आप देख रहे हैं कि हमारे देश में जो बेरोज़गारी का आलम है बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो उसके लिए गोट फार्मिंग एक अच्छा विकल्प है कि आप गोट फार्मिंग करें और इसमें बहुत ही अच्छा स्कोप भी है अगर आप एक अच्छे तरीके से कर रहे हैं और एक जैसा कि हम कहें कि सुव्यवस्थित ढंग से कर रहे हैं, एक अच्छे तरीके से कर रहे हैं जिस तरह गोट फार्मिंग करनी चाहिए। वैसे तो मार्केट में बहुत तरह से काम हो रहा है इस पर, मगर एक अच्छे तरीके से अगर आप करें तो इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी है। ठीक है, तो अब इंशाल्लाह से आपकी गोट फार्म पर नज़र डाल के एक लुक दिखा देता हूँ फार्म का। तो अलमदार हाशमी भाई के फार्म का एक लुक देखिए आपकी फार्म का लुक है, और चलिए अंदर चलते हैं। तो भाई ये गोट फॉर्म का एक लुक देखिए, और चलिए अभी जानवर देखते हैं। और हमारा मेन फोकस रहेगा बरबरी गोट्स पे, बरबरी की काफ़ी डिमांड है माशाल्लाह से इस टाइम पे। और इलाहाबाद और कानपुर के बीच में ये फॉर्म है सिचुएटेड है, और इन डिस्ट्रिक्टों में बरबरी मतलब सप्लाई तो बहुत कम होती है, और किसी भी भाई को चाहिए इतने क्षेत्र पर तो फॉर सेल का वीडियो है वो ले सकते हैं। तो भाई जान दिखाइए, सबसे पहले आप कौन सी फीमेल दिखाएंगे, बकरी दिखाएंगे? फीमेल बकरी में जैसे हमको दिखाएं आपको, ये देखिए बरबरी, ये हमारी देखिए ये गाभिन बकरी है, ये अभी एकदम तैयार है ये बच्चा देने के लिए, क्योंकि हम बरबरी की ब्रीडिंग पर भी काम कर रहे हैं और ट्रेडिंग पर भी अब काम कर रहे हैं। हमने लगभग 3 साल जो है मेहनत करी है इस पर, और उसके बाद हम इस नतीजे पर आए कि अब हम ट्रेडिंग भी स्टार्ट कर दिया हमने। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इस तरह की हमारे पास खूबसूरत बकरियाँ तैयार हैं जो कि बच्चा देने के लिए। ये हमारी जो अब जैसे इसकी बात करें तो ये करीब जो है 25 किलो के आसपास होगी, इससे पहले जैसे कि हमने देखी तो करीब 35 किलो के आसपास होगी। तो हमारे पास जो है 25 से लेकर 35-40 किलो तक की बरबरी मिल जाती है, किसी भाई को चाहिए हो तो वो कांटेक्ट भी कर सकता है। और ये वाली दिखाइए कि ये कम वेट पे लग रही है, ये वाली जी। अब जैसे इसका वेट है ये करीब जो है 20 से 25 के बीच में आएगी जी। आप नहीं, हम जो है नग के हिसाब सेल करते हैं, पीस के हिसाब सेल करते हैं। तो लगभग इसकी 20 से 22 केजी की जो फीमेल है वो लगभग कितने रुपए की पीस आएगी? अब देखिए लॉट में आती है, हमारे यहाँ लॉट बनती है, उसमें जो है जैसे कि आप 10 बकरियाँ ले रहे हैं तो उसमें जो है 25 किलो से लेकर 35 किलो तक की आपकी बकरियाँ रहेंगी जी। और उसमें जो है रेट आपके अलग अलग हो सकते हैं अलग अलग टाइम पर। 20 से 22 की है उसका क्या रुपये नग पड़ेगा, जैसे आपकी वो रेड वाली है एक ऐसा पर्टिकुलर बताइए भाई। तो जैसा कि हम इस बकरी की बात करें, ये भी गाभिन बकरी है तैयार जी, और बिल्कुल और 25 किलो के अंदर इसका वेट होगा, तो लगभग ये पड़ेगी आपको 10,000 रुपये पीस के हिसाब से। मगर जो पट्टी तैयार होती है तो वो जो है 12,000 की भी तैयार हो जाती है, 13,000 की भी तैयार होती है, 11,500 में भी तैयार हो जाती है। 10 नग की पट्टी है, 12 नग की पट्टी है, 15 नग की पट्टी है, वो अलग अलग रेट के हिसाब से तैयार होती रहती है जी। चलिए और आप दिखाइए ये बूची कलर में दिखाइए, ये देखिए बूची है ये कलर पैटर्न भी अलग है इसका जी। हाँ ये बहुत ही खूबसूरत बहुत शानदार बकरी है, ये भी तैयार है बिल्कुल जी। ये कितने वेट पे है? ये भी गाभिन है? ये जो हाँ ये भी गाभिन है, ये करीब 30 के ऊपर है इसका वजन। ये बड़ी बकरियों में आती है क्योंकि बड़े फ्रेम की बकरी है ये जी। और अभी इसकी आप ट्रेडिंग भी स्टार्ट जी जी अल्हम्दुलिल्लाह की है, और ब्रीडिंग से काफी टाइम जी जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने अभी ट्रेडिंग स्टार्ट करी है जी। और
हम जो है नस्ल पर काम कर रहे हैं। हमारे पास ऐसे बरबरी, सिरोही और जमुनापारी तीन नस्ल मिल जाती हैं, मगर बरबरी पे हम ज़्यादा काम कर रहे हैं कि बरबरी हमारे पास हर टाइम अवेलेबल रहती है। जी जी कभी भी मतलब कितने पीस प्रोवाइड करा सकते हैं? जी जी, हमसे आप किसी भी टाइम कितने पीस आप प्रोवाइड करवा देते हैं। आज हम वीडियो हसन भाई के जो होम ब्रीड के सेटअप के प्रोडक्शन के जो बच्चे हैं वो भी देखेंगे आगे, तो कुछ और दिखाएंगे आप, वीडियो दिखा दीजिए आप। जी ये लास्ट में ये बकरी और देख लेना बड़े फ्रेम की। जी इसका वज़न करीब जो है 30 किलो के ऊपर इसका भी वज़न है। जी अभी भी गाबिन बकरी है ये। गाबिन ये मतलब हाइट इसकी नटिया टाइप में है। हाँ हाँ हाँ। लेकिन वजन में माशाल्लाह ठीक है। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बढ़िया बकरी है ये। अच्छा वजन में गेन किया। ये भी गाबिन प्रेग्नेंट है? ये भी प्रेग्नेंट बकरी है। अच्छा, तो माशाल्लाह ज्यादातर प्रेग्नेंट, ज्यादातर हमारे यहाँ भी तो है प्रेग्नेंट बकरी की लॉट निकलती है, इसलिए हम प्रेग्नेंट बकरी ज्यादातर देते हैं और जैसे भी डिमांड आती है उसके हिसाब से अलग अलग देते हैं। जी ठीक है भाई। तो ये एक ब्रीडर, ये है टोटल तीन ब्रीडर है। ये बरबरा, ये तीनों बरबरे हैं? जी तीनों बरबरे हैं और ये हमारा इस टाइम पर बड़ा बरबरा है। जी माशाल्लाह। जी ये इसके दो और तैयार कर रहे हैं, ये भी हमारे यहाँ से प्रोडक्शन है। ये घर की ब्रीड है दोनों? जी ये दोनों घर की है अपने। हाँ, ये यहाँ पर हमारे फार्म पर ही तैयार हुए बच्चे हैं। जी अभी बच्चे तैयार हो रहे हैं बिकने के लिए। जी और जो भाई हमसे ब्रीडर लेना चाहते हैं उनको हम ब्रीडर भी सेल करते हैं। अच्छा जी, तो जैसे कि कोई लॉट लेगा तो उसके साथ ब्रीडर भी सेल करेंगे? जी हाँ, कोई अगर जो है 10-15 बकरियों की लॉट ले रहा है तो उसको हम ब्रीडर भी सेल करते हैं। जी और एक ब्रीडर मैं आपको और दिखा दूँ जो हैदराबादी में है, आप उस तरफ देख रहे हैं, वो देखिए वो रखो, ये बड़ा ब्रीडर है। आप इससे बड़ी जो है ये हमने बड़ी बकरियों के लिए मंगाया था। जी इससे बरबरी क्रॉस नहीं कराते हैं, ये बड़ी बकरियों के लिए क्रॉस ब्रीड पर काम करने के लिए। अच्छा अच्छा, आपने ब्रीड तैयार करने की सोची? जी जी हमने अलग ब्रीड क्रॉस ब्रीड तैयार करने की सोची। जी जैसे कि सिरोही पे क्रॉस कराएं, गुजरी क्रॉस कराएं। जी उसके लिए हमने ये हैदराबादी ब्रीडर मंगाया है। हाँ तो ये भी निकाल देंगे आप? जी हाँ, अगर कोई भाई इसको लेना चाहेगा तो उसको भी हम सेल कर सकते हैं। सेल कर देंगे, तो कोई भी लेना चाहे तो कॉन्टैक्ट कर सकता है हसनी भाई से, जिनका कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्प्ले पर दिख रहा है। और ये बाकी गोट फार्म का एक बार एड्रेस बता दिए और अब जो आप खुद का यूट्यूब चैनल चलाते हैं उसके बारे में। जी हमारा खुद का भी चैनल है हसनी फार्मिंग नाम से। जी और उस पर हम जो है परमानेंट वीडियो डालते रहते हैं। जी जी जो भी हमारे फार्म की नई लॉट आती है। जी या जैसे कि हमारे प्रोडक्शन होता है या और भी गोट फार्मिंग से या पोल्ट्री से रिलेटेड कोई बातें होती हैं उसके रिलेटेड जो भी जानकारी होती है वो अपने हम हसनी फार्मिंग नाम के चैनल पर डालते रहते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो व्यूवर्स हैं उसको भी देखें, उस पर भी विजिट करें। उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस पर जाइए और इनको भाई को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो इंफॉर्मेशन मालूमात देते हैं वो आप जरूर इनकी शेयर करें। ठीक है, तो अभी लास्ट में आप बच्चे दिखा दें इनके। जी जी। होम प्रोडक्शन के दिखाइए बच्चे, दिखाइए हसनी भाई बच्चे दिखा दीजिए। जैसे कि हमारे यहाँ पर अभी ये 20 दिन का बच्चा तैयार हुआ है माशाल्लाह, इसको 20 दिन हुए हैं, ये बकरा है, बहुत ही अच्छा वेट गेन कर रहा है, ये हमारे यहाँ प्रोडक्शन है, आप देख सकते हैं माशाल्लाह एकदम पर। ये तो ये भी फीमेल अगर कोई लेगा इसकी माँ तो ये से साथ में? हाँ, इसके साथ में फीमेल के साथ में दे देंगे, बच्चा मिल जाएगा। और दिखाइए जैसे कि ये है, ये फीमेल है, ये फीमेल है 4 से 5 महीने की है ये। जी और ये भी हमारे यहाँ प्रोडक्शन है माशाल्लाह, ये देखिए अब ये देखिए काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन है, अच्छा वेट गेन किया इस बकरे। जी ये भी फीमेल है? जी ये भी फीमेल है। जी और दिखाइए ये जो तीन बच्चे हैं और ये देखिए बकरा है, इसको हम देखिए माशाल्लाह ये भी अच्छी क्वालिटी में, ये मुश्किल से 15 दिन का होगा जी, ये बकरा है। जी और ये दोनों बकरियाँ हफ्ते भर की फीमेल है दोनों, ये दोनों फीमेल है, ये दोनों लेना गोद में आप। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया एंड धन्यवाद आपका। वो वाला एक बार वो वाला बच्चा लेना गोद में। लास्ट में आप इनके फार्म का पूरा व्यू देख सकते हैं, अलग अलग पार्टीशनों में इन्होंने कर रखा है भाई ने, मतलब फीमेल्स अलग, मेल अलग, बच्चे अलग, जिस हिसाब से एज के हिसाब से उस तरह से बाड़े बना रखे हैं और ब्रीडर अलग रख रखे हैं इन्होंने, उस तरह के पूरा ये फार्म का इनका लुक है। और जिनके भाई हैं ये देखभाल करते हैं फार्म की, जी इनके लिए एक लाइक कर दें। ठीक है, धन्यवाद।